हेलो एवरीवन फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है आज अपन पाथफाइंडर के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रॉब्लम 14 सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम में एक कंडक्टिंग कोइल दी गई है जिसको एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट के पास कोएक्शियल पोजिशन में रखा गया है ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है और ये कंडक्टिंग कोइल है जिसको कोएक्सियल पोजीशन में अपन ने रखा है अगर इस कोईल को सिंपल हारमोनिक वाइब्रेशंस कराई जाए जिनकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ज और एम्पलीट्यूड है 1 एम mm, तो इस कोइल के अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज भी सिंपल हारमोनिकली वेरी करेगी जिसकी पीक वैल्यू अपने को दी हुई है फाइव फाइव वोल्ट अगर मैं इस कोईल को मीन पोजीशन में स्टैटिक रखूं और इसमें 200 हंड्रेड मिली एमपियर करंट फ्लो कराऊं तो इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस के दौरान किसी इंस्टेंट टी पे मान लेते हैं कोइल वी स्पीड से वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इस इंस्टेंट पे कोइल के किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पे फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा क्योंकि नॉर्थ पोल पे फील्ड लाइंस इस टाइप से निकल रही होंगे इस टाइप का फील्ड पैटर्न नॉर्थ पोल के पास रहेगा तो इस इंस्टेंट पे अपन एक छोटे से एलिमेंट के अंदर कोइल के एक छोटे से एलिमेंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करेंगे मैं ये एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड के अंदर यह एलिमेंट नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है इसमें इंड्यूस्ड टीएमएफ को अपन ये लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर यहां पे वी वेक्टर की जगह तो मैं ये लिख सकता हूं वी जे कैप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जगह अपन ये लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बीवाई जे कैप और dl वेक्टर की जगह अपन ये लिख सकते हैं dl माइनस के कैप अब अपन v वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जे क्रॉस आई माइनस के के बराबर होगा और जे क्रॉस जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होता है जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप के बराबर होता है तो अपन इसको ये लिख सकते हैं माइनस वी बी एक्स के कैप डॉट माइनस डी एल के कैप डॉट के कैप वन हो जाएगा अपने पास ही आ जाएगा V बी एक्स डी एल अब अपन इसको इंटीग्रेट करके पूरी कोइल में इंड्यूस्ड टीएमएफ पता कर लेते हैं तो पूरी कोइल में इंड्यूस्ड टीएमएफ ये होगा इंटीग्रेशन v बी एक्स डीएल वी बी एक्स को तो अपन बाहर निकाल लेते हैं डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस कोइल की पेरी की लेंथ यानी टू पाई आर जहां पे आर अपन कोइल की रेडियस कंसिडर कर रहे हैं तो अपने पास ही आएगा वी बी एक्स इंटू टू पाई आर मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे कोइल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है y is equal to a साइन omega t इसकी वेलोसिटी हो जाएगी dy डी टी वेलोसिटी होगी dy डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास आएगा ओमेगा ए कोस ओमेगा तो टी तो कोइल में इंड्यूस टीएमएफ को अपन ये लिख सकते हैं क्वल टू ओमेगा ए बी एक्स टू पाई आर कोस ओमेगा टी कोइल में इंड्यूस टीएमएफ की पीक वैल्यू अपने को वी नॉट दी हुई है तो मैं इंड्यूस टीएमएफ को इस तरह से लिख सकता हूं पीक वैल्यू वी नॉट इन टू कोस ओमेगा टी इसको अगर अपन अबउ इक्वेशन वन से कंपेयर करें तो वन और टू के कंपेरिजन से अपन ये लिख सकते हैं पीक वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ए बी एक्स इंटू टू पाई आर अपने को फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है तो अपन ओमेगा को ये लिख सकते हैं टू पाई एफ तो अपने पास वी नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू टू पाई एफ इंटू ए बी एक्स इंटू टू पाई आर कोइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की पीक वैल्यू ये रहेगी नेक्स्ट अपन कोइल पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं अब कोइल को मीन पोजीशन में स्टैटिक रखते हुए इसमें करंट आई फ्लो कराते हैं इस पे अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है मैं कोइल का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ पहले इस एलिमेंट पे अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप इस पे फोर्स को अपन ये लिख सकते हैं डी एफ वेक्टर इज अक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं मैं इसको ये लिख सकता हूं आई डीएल वेक्टर की जगह लिख देते हैं डी एल माइनस कैप क्रॉस बी वेक्टर की जगह अपन लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई लेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क, के कैप क्रॉस आई कैप ये अपने पास हो जाएगा जे कैप के बराबर और जब के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कैप के साथ लेंगे तो के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा माइनस आई कैप के बराबर तो अपने पास फोर्स की दो टर्म्स होंगी जिनको मैं ये लिख सकता हूं माइनस आई डी एल बी एक्स जे कैप और एक टर्म होगी प्लस आई डी एल बी वाई आई कैप यानी इस एलिमेंट पे फोर्स का एक कंपोनेंट तो आई कैप की डायरेक्शन में इधर की ओर एक्ट होगा इस कंपोनेंट को मैं डी एफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ और फोर्स का एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यानी इधर की ओर एक्ट होगा इसको मैं डी एफ वाई से डिनोट कर देता हूँ सिमिलरली अपन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक अनोदर एलिमेंट अपन यहां पे कंसिडर करते हैं इस एलिमेंट के लिए डायरेक्शन हो जाएगी प्लस के कैप जब अपन इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर से फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे एक कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा डी एफ एक्स और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा एफ वाई तो क्लियरली फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे जबकि फोर्स के हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इस कोइल पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को केवल डी एफ वाई को इंटीग्रेट करना है तो अपने पास डी एफ वाई ये है डी एफ वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहा है आई डी एल बी एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को कोइल पर नेट फोर्स पता लग जाएगा नेट फोर्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी एल बी एक्स आई और बीएक्स तो बाहर आ जाएगा और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू पाई आर तो कोइल के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन अपने को मिल गया है अब एक इक्वेशन अपने पास ये है जिसको मैं इक्वेशन थ्री बोल देता हूं अपन ने कोईल के अंदर इंड्यूस टीएमएफ की पीक वैल्यू पहले ही पता कर ली थी तो मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे ले चलता हूं कोइल के अंदर इंड्यूस टीएमएफ अपने पास ये था मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूं इक्वेशन फोर और इक्वेशन फोर से बी एक्स इंटू टू पाई आर इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन थ्री में पुट कर देता हूं तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आएगा एफ वाई इज एक्वल टू आई इंटू अब इक्वेशन फोर से बी एक्स इंटू टू पाई आर की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन ओमेगा तो टू पाई एफ के बराबर है तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एफ वाई का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा एफ वाई इज एक्वल टू आई वी नॉट अपॉन टू बाई एफ ए तो कोइल के ऊपर इतना फोर्स एक्ट होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए अपन आई वी नॉट एफ और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं आई तो अपने को दिया हुआ है 200 हंड्रेड मिली एम्पियर यानी 200 हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री एम्पियर वी नॉट अपने को दिया हुआ है 5 पाई वॉल्ट एफ की वैल्यू अपने को दी हुई है 100 हर्ट्ज़ और ए अपने को दिया हुआ है वन एम एम यानी टेन टू तो द पावर माइनस थ्री मीटर तो ये वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे एफ वाई की वैल्यू ये आ जाएगी टू हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू फाइव बाई अपॉन टू पाई इंटू हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो अपन देखेंगे एफ वाई की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी फाइव न्यूटन तो ये अपना आंसर होगा